अपनी शरारतों की वजह से टॉमी के नाम से पुकारा जाने वाला बच्चा वो इंसान गाड़े में है जो इन तमाम चीजों पर अमल नहीं करते, अनेक अमल करते रहे। ठीक है भाई, आप कहाँ पढ़ रहे हो? जिसे उसके उस्ताद अक्सर क्लास में खड़ा कर देते थे। खड़े रहो, वहाँ खड़े रहो। अच्छा बेटा, मैं बता रहा था। क्या भाई, क्या बदतमीजी है? आप मुझे नहीं खड़े हो सकते आप? मैं तो आपके मुस्तकबिल के लिए परेशान हूँ। क्या हो, क्या बनोगे आप? गर्दिश हालात ने उसे यूं तराशा कि आईना खाना तारीख और दुनियाए अदब में सादत हसन मंटो के नाम से जाना जाने लगा। मंटो की तबीयत शुरू दिन से ही पढ़ाई की जानिब कम कम और आर्ट की जानिब ज्यादा थी। वो मैट्रिक में बार बार फेल हो रहे थे। मंटो के वालिद मौलवी गुलाम हुसैन की सख्त मिजाजी और मंटो इस्तेराबी तबीयत गोया आग और पानी। वालिद की सख्त गिरी का जिक्र मंटो ने आगा हशर पर अपने एक स्केच में कुछ इस तरह किया है। अच्छा, तीन चार पेशावर रफंगों के साथ मिलकर हमने एक ड्रामेटिक क्लब खोली थी। आगा हशर का एक ड्रामा करने का इरादा किया था। चाहते क्या हो, चाहते क्या हो? कुछ जदीदियत। जदीदियत क्या होती है? कोई ये क्लब सिर्फ 15-20 रोज ही कायम रह सकी। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसकी परफॉर्मेंस आम रूटीन से हटकर जिस तरह से हो रहे हैं उस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, जिद्दत पसंद की आप बात कर रहे हैं, आप बताइए वो कैसे आएगी? अपना कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। मेरा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। उसका दिमाग नहीं है तो हम क्या करें भाई? वालिद साहब ने एक दिन धावा बोलकर सब साजो सामान तोड़ डाला था और वाजी अल्फाज में हमको बता दिया था कि ऐसे वाहियात खेल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। बर्फदा, ये क्या हो रहा है? ये दोस्त है तुम्हारे? और आगे का देखो, क्या छुपा रहे तुम? ये वाहियात खेल, चलो मेरे साथ। आगा साहब का कोई ड्रामा देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। वो इसलिए कि रात को घर से बाहर रहने की मुझे कोई इजाजत नहीं थी। मंटो, उनके वालिद और दोनों भाई मोहम्मद हसन और सईद हसन मुतजाद दुनियाओं के बासी थे। एक तरफ मजहबी और परहेजगार घराना और दूसरी जानिब इनकलाबी बागी मजहब नाशना और आवारगी का रसिया सादत हसन मंटो। यही वजह थी कि मंटो ने घर वालों से अलग एक खोली में रिहाइश इख्तियार कर ली। मंटो ने अपने भाई सईद हसन का जिक्र अपने एक अफसाने राम खलावन में भी किया है। राम खलावन के धोबी ने जब मंटो के खटमलों भरी खोली में सईद हसन की तस्वीर देखी और उसे पता चला कि वो मंटो के बड़े भाई हैं, तो उसने हैरत से कहा, सईद हसन एक उम्दा फ्लैट में रहे और मंटो इस खोली में? तो मंटो ने बड़े फलसफियाना अंदाज में कहा, जिंदगी के यही रंग है धोबी, कहीं दूर कहीं जाओ। हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मंटो के इस बयान में न रश को हसद, न दिल गिरफ्तगी, न एहसास कमतरी, न शिकायत जमाना नजर आती है। FA फेल होने के बाद मंटो का पढ़ाई में बिल्कुल जी नहीं लगता था।
इस हवाले से मंटो लिखते हैं, आवारगी के उस जमाने में तबीयत हमेशा उचाट सी रहती। एक अजीब किस्म की खुदबुद हर वक्त दिलो दिमाग में होती रहती थी। घंटों किसी सायादार दरख्त के नीचे बैठकर इनकलाब के ख्वाब देखता। उस जमाने में शेर कहने की भी कोशिश की, दोस्तों के साथ मिलकर तरह तरह के नशे किए, मगर जी की बेकली दूर ना हुई। जिंदगी के इस बुहरानी और पुर इंतिशार दौर में बारी साहब मंटो की जिंदगी में दाखिल होते हैं, तो मंटो की जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। खैर ऐसी बात नहीं है, तजवीद को आसान बना के भी आप माशरे तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, बस इसी मौजू के ऊपर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ तफसीलन। तो मैं तो बहुत बेचैनी से इंतजार करूंगा, कब बताओ कब आ रहे हो? ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा ऑफिस में। ठीक है। क्योंकि बारी साहब ने मंटो के ज़हनी इंतिशार को भांपते हुए उसे सहाफत की तरफ रागिब किया। वो पहले तीरथ राम फिरोजपुरी के नावल पढ़ा करता था, मगर बारी साहब से मिलने के बाद ऑस्कर वाइल्ड, गोरकी, चेखोफ और दीगर कई ऐसे मुसन्निफ जेरे मुताला रहने लगे। जो वक्त खराफात में कटता था, अब मसावात के दफ्तर में कटने लगा। मंटो ने लास्ट डे ऑफ अ कंडेम्ड का तर्जुमा सरगुज़िश्ते असीर के उन्वान से किया। बारी साहब ने न सिर्फ इसे बिकवा दिया, बल्कि जल्द ही छाप कर शाये भी करवा दिया, और यूं मंटो साहिब किताब हो गया। मसावात बंद होने के बाद मंटो को लिखने की चाट पड़ गई थी। मंटो ने अब बाकायदा अफसाना लिखने का आगाज कर दिया। इस सिलसिले का पहला अफसाना तमाशा खल्क के पहले शुमारे में शाया हुआ। उसी जमाने में मंटो ने आलमगीर का रूसी अदब नंबर और हुमायूं का फ्रांसीसी अदब नंबर मुरतब किया। मंटो की जिंदगी का बहुत नाजुक दौर था। माली मुश्किलात के साथ साथ सेहत का अहवाल भी बिगड़ता जा रहा था। लगभग 1935 का दौर था। मंटो के हालात की खराबी एक तरफ, दूसरी तरफ उनकी खराब होती सेहत उनकी जान को आ जाती थी। सीना दर्द की फांसों से शदीद तकलीफ जन्म रहा था। दर्द का आलम कि तकलीफ हद से बढ़ जाती तो ऐनक उतार कर एक तरफ रख देता और टांगे सुकेड़ के सीने से लगा लेता, मगर दर्द था कि थमने का नाम तक नहीं लेता था। डॉक्टरों को दिक का शुबा हुआ तो उन्होंने मंटो को किसी सेहत अफजा मकाम की जानिब जाने का मशवरा दिया। उसने कश्मीर का रुख किया। टूट के पड़ाव पर बेगों ने उनका रास्ता रोक लिया। मंटो को कश्मीरी चरवाही बेगों से मोहब्बत हो गई थी। इसी हवाले से मंटो ने कई अफसाने जिनमें बेगो, लालटेन, मौसम की शरारत, मिस्री की डली, एक खत और चुगत तहरीर किए। रफ्ता रफ्ता मंटो रेडियो से होते हुए फिल्मों की जानिब आ गए। उनकी लिखी हुई फिल्मों में अपनी नगरिया, चल चल रे नौजवान और आठ दिन काबिले जिक्र हैं। आठ दिन में उपेंद्र नाथ अश्क और राजा मेहंदी अली खां के साथ मंटो ने खुद भी एक छोटा सा किरदार अदा किया। मंटो की शादी के हवाले से उन्होंने मेरी शादी के उन्वान पर बहुत दिलचस्प हाल लिखा है।
इस हवाले से मंटू लिखते हैं कि मैंने सुना तो चकरा गया, मैं तो शादी के इस किस्से को एक मजाक समझ रहा था और मुझे कतन यकीन नहीं था कि कोई होशमंद इंसान मुझे अपनी लड़की दे देगा। मेरे पास था ही क्या, इंटर पास, और वो भी थर्ड डिवीजन में, और मुलाजमत ऐसी जगह जहां तनख्वाह मिलती ही नहीं। पेशा फिल्म और अखबार नवीसी, ऐसे लोगों को शरीफ आदमी कदमों लगाते हैं। सफिया बेगम के साथ मंटू की घरेलू जिंदगी निहायत खुशगवार गुजर रही थी। मंटू की बजाहिर मुतमईन जिंदगी अंदर से कैसी थी, उसकी एक झलक मंटू के उन खतूत में वाजे नजर आती है जो उन्होंने बनाम अहमद नदीम कासमी लिखे। ये खत मंटू की जात का एक ऐसा आईना है जिसकी मिसाल उर्दू अदब में कहीं और नजर नहीं आती। मैं एक अरसे से अपने वजूद को तोरगनीफ के अल्फाज में झगड़े के पांचवें बेमाने पहिए की मानिंद फजूल समझता हूँ, इसलिए मैंने चाहा कि किसी के काम आ सकूं। खाई में पड़ी हुई ईंट अगर किसी दीवार की चुनाई में काम आ सके तो इससे बढ़कर वो और क्या जा सकती है। मैं दरअसल आजकल उस जगह पहुंचा हुआ हूँ जहाँ यकीन और इनकार में तमीज नहीं हो सकती, जहाँ आप समझते भी हैं और नहीं भी समझते। बाज़ोकात यूं महसूस होता है कि दुनिया सारी की सारी एक मुट्ठी में चली आई है, और बाज़ोकात ये ख्याल पैदा होता है कि हम हाथी के जिस्म पर चींटी की तरह रेंग रहे हैं। कुछ भी हो, मुझे इत्मीनान नसीब नहीं है, मैं किसी चीज से मुतमईन नहीं हूँ, हर शय में मुझे कमी महसूस होती है, मैं खुद अपने आप को नामुकम्मल समझता हूँ, मुझे अपने आप से कभी तस्कीन नहीं होती, ऐसा महसूस होता है कि मैं जो कुछ हूँ, जो कुछ मेरे अंदर है वो नहीं होना चाहिए, इसके बजाय कुछ और ही होना चाहिए। साल 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद भी हालात कुछ बेहतर ना हुए। तेजी से गिरती हुई सेहत और माशी बदहाली के बायस मंटू अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत परेशान थे। हिजरत के बाद मंटू के हालात जिंदगी का अंदाजा उनके लिखे हुए एक खत के इक्तिबास से बखूबी लगाया जा सकता है। जब से यहाँ आया हूँ, न सफिया ने मुझसे कोई फरमाइश की है और न ही निकट नुसरत और नुसरत में से किसी ने। बाज मनहूस साल ऐसे भी आए थे कि बच्ची की सालगिरह थी और जेब में फूटी कौड़ी नहीं। बदनसीबी की बात तो यह है कि आज से मेरी जेब में फूटी कौड़ी। इन खराब होते हुए हालात की अहम वजह मंटू के खिलाफ वो मुकदमात थे जिनको खुद मंटू ने अपने कलम से जन्म बख्शा था। मंटू को ठंडा गोश्त, काली शलवार, खोल दो समेत 6 अफसानों के मुकदमात में जकड़ लिया गया। इसके बावजूद मंटू ने हिम्मत नहीं हारी और तकरीबन 100 से जायद अफसाने तहरीर कर डाले। क्या हो गया आपको? थोड़ा पानी पिलाओ। अच्छा, क्या हो गया आपको? आप ये कैसे बातें कर रहे हो? पानी तो मंटू की आखिरी उम्र में मंटू की सेहत ने बिल्कुल उसका साथ छोड़ दिया था।
दुनिया समझ रही थी कि मंटो मर रहा है, लेकिन किसी को ये इदराक नहीं था कि मंटो जावेदानी जिंदगी की जानिब जा रहा है। मंटो ने खुद अपने बारे में लिखा था, ये भी हो सकता है कि सादत हसन मर जाए और मंटो न मरे। क्या हो गया? क्या हो गया? लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि सादत हसन भी जिंदा है और मंटो भी।